एम कैम पब्लिक तो आज हम करने वाले हैं ग्रीन्स थ्योरम के एग्जाम्पल तो देखते हैं ग्रीन्स थ्योरम में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है तो आज ग्रीन्स थ्योरम में हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा यूज़ द ग्रीन थ्योरम टू एवल्यूट यानी कि ग्रीन्स थ्योरम का यूज़ करके हमको इस इं inter... इंटीग्रेशन की इस वाले कव के लिए वैल्यू फाइन करनी है इंटीग्रेशन है हमारे पास माइनस फोर एक्स वाई क्यूब डी वाई वेर सी इज गिवन बिलो यानी जो कव है वो हमको यहाँ पे फिगर में दिया गया है तो देखते हैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम सबसे पहले तो यहाँ पे हमको नाम मिला ग्रीन्स थ्योरम तो ग्रीन्स थ्योरम होता क्या है वो हमको पता होना जरूरी है तो ग्रीन्स थ्योरम हमारा होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू डीएक्स डी एक्स माइनस डी पी बाय इंटू डी एक्स डी वाई यानी कि हमको जो इंटीग्रेशन दिया गया है उसको हमको कंपेयर करना है p dx plus q divide से यानी इसको हम अगर कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा तो इसके ऊपर से हमारा p हो जाएगा यहाँ पे p is equal to हमारा हो जाएगा y dash two four minus two x एंड क्यू हमारा हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू माइनस की साइन भी आएगी यानी कि माइनस अभी लेफ्ट हैंड साइड तो हमने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर से पी एंड क्यू की वैल्यू तो फाइंड कर ली तो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है डबल इंटीग्रेशन वाला एक्चुअली हमको यूज करना है यही वाला तो डी क्यू हमको पता होना चाहिए एंड यानी क्यू का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करके उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे चलिए डी पी बाय कि इसका विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पावर आ जाएगी आगे यानी कि फोर वाय क्यूब यहाँ पे वाई का कोई फंक्शन नहीं है तो वो होता है जीरो डी क्यू क्यू का विथ रिस्पेक्ट टू वाय डिफ्रेंसिएशन करेंगे यानी इस वाले में तो वाई है ही नहीं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंसिएशन करेंगे यानी कि इसका हो जाएगा माइनस सिक्स प्लस इसका हो जाएगा फोर वाय क्यूब एक्स का हो जाएगा वन यानी मिलेगा फोर माइनस सिक्स प्लस फोर वाय क्यूब दोनों वैल्यू हमको पता चल गई तो इस वाले इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा तो हमको फाइनली ग्रीन का इक्वेशन मिलेगा आई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन डी क्यू बाई डी एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू माइनस सिक्स प्लस फोर वाई क्यूब माइनस फोर वाय फोर वाई क्यूब डीएक्स डी वाई प्लस फोर वाई क्यूब माइनस फोर वाई क्यूब कैंसल यानी हमको फाइनली मिला डबल इंटीग्रेशन ऑफ माइनस सिक्स डी वाई हम इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो कर देंगे लेकिन उसके लिए हमको आंसर फाइंड करने के लिए क्या चाहिए इंटीग्रेशन में अपर लिमिट चाहिए लोअर लिमिट चाहिए तो यहाँ पे वो लिमिट मिलेगी हमको ग्राफ पर से यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे शुरू होती है इक्वल टू एक्स लेन और इक्वल टू सिक्स एंड वाई एक्सिस पे मिनिमम वैल्यू है जीरो मैक्सिमम वैल्यू है फोर यानी वाई एक्सिस पे हो जाएगी जीरोन और इक्वल टू वाई लेन और इक्वल टू फोर तो वही लिमिट यहाँ पे हमारी सबसे पहली आती है एक्स की लिमिट यानी जीरो से लेके सिक्स तक एंड उसके बाद पहले आती है वाई की लिमिट यानी जीरो से लेके फोर तक चलिए सबसे पहले वाई की लिमिट रखी है तो वाई तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई डी इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू सिक्स माइनस था यानी माइनस सिक्स लिमिट थी हमारी जीरो से लेके फोर तक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन जीरो टू सिक्स लोअर लिमिट जीरो है तो पुट करने की जरूरत नहीं है यानी कि ये हो जाएगा माइनस सिक्स इंटू फोर डीएक्स यानि फाइनली हमको मिलेगा इंटीग्रेशन जीरो टू सिक्स सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर यानी कि माइनस ट्वेंटी फोर dx. अगर माइनस ट्वेंटी फोर डी का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करेगी तो हमको मिलेगा माइनस ट्वेंटी फोर एक्स लिमिट आ जाएगी जीरो से लेके सिक्स तक लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो पुट करेंगे तो आंसर हमको जीरो ही मिलेगा यानी कि सबसे पुट करेंगे हम सिक्स यानी कि हमको मिलेगा माइनस ट्वेंटी यानी कि ये हो जाएगा हमारा माइनस ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर इंटू सिक्स अगर हम करेंगे तो हमको मिलेगा वन फोर्टी फोर तो यहाँ पे हमारा इस वाले कव के लिए आंसर हो गया माइनस वन फोर्टी फोर तो ये हो गया हमारा आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन यूजिंग द ग्रीन्स थियरम